स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा बेटा, कल हमने बात की थी लैटिस एनर्जी की, ठीक है, और लैटिस एनर्जी क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, और उसके अलावा फिर हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिस्कस की, ठीक है। तो अब ये है कि आज आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। एनर्जी दो फैक्टर्स की हमने बात की थी, चार्ज है, चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, आयनिक रेडियस बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने कहा था कि इट इज द एनर्जी दैट अकर्स, एनर्जी चेंज दैट अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय वन मोल ऑफ गैशियस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैशियस एनायन, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये हमने कहा था कि इट वुड बी नेगेटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये नेगेटिव होगी, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फॉर एग्जांपल सीएल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये नेगेटिव होगी। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर लेट से हम बात करें कि जी सपोज ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के केस के अंदर ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो अगर हम ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, लेट से हम कह रहे हैं कि जी ये ऑक्सीजन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड वंस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स ओ नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगी, दिस इज डेल्टा एच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विच वुड बी नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एंड देन ओ माइनस जो है इट विल गेन अनदर इलेक्ट्रॉन, गेन्स अनदर इलेक्ट्रॉन, और अब ये क्या बन जाएगा, ओ टू माइनस, इट बिकम्स ओ टू माइनस एंड दिस वुड बी सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डेल्टा एच सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव, देन सेकेंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, और ये इस तरह से आगे पॉजिटिव रहेंगे। उसकी वजह क्या है कि लेट से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में वी हैड सिक्स एट प्रोटॉन्स एंड एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, एट प्रोटॉन्स एंड नाइन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे अब 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप कह लें कि यानी नाउ दिस एटम हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो और क्योंकि अब आप एक नेगेटिवली चार्ज आयन को इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज आयन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ड्यू टू दैट रिपल्शन, टू ओवरकम दैट रिपल्शन वी हैव टू गिव एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है दिस इज गेन बाय नेगेटिवली चार्ज आयन, यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ठीक है, तो जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वुड बी नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होगी, बट वेन अ नेगेटिवली चार्ज आयन वुड गेन इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल ओ माइनस, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन ओ नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्शन और रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वुड ऑलवेज बी नेगेटिव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव, इसी तरीके से थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होगी क्योंकि न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और उसके बाद आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन कराएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, लेट्स से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के केस में इट गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन माइनस, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दिस वुड बी negative, then n minus gains another electron to become n 2 minus, second electron affinity this would be positive,
ठीक है जी, ये क्या होगी पॉजिटिव, एंड देन एन टू माइनस गेन्स अनदर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एन थ्री माइनस, तो ये हो जाएगी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं दैट वुड बी पॉजिटिव, बस ये सिंपल आपको ध्यान में रखनी है बात जी। यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और लैटिस एंथैल्पी की। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी की हमने कल बात कर ली थी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो गई। अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी बॉर्नहैबर साइकिल। बॉर्नहैबर साइकिल, ठीक है जी, बॉर्नहैबर साइकिल क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बॉर्नहैबर साइकिल? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ठीक है जी, ये हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है। हेसेस लॉ आपने एएस लेवल में पढ़ा है, ठीक है, याद है हेसेस लॉ क्या था जी? हेसेस लॉ जो है, सही बिल्कुल, हेसेस लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हाट इज हेसेस लॉ? के द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ टेकन। ठीक है, हेसेस लॉ सिंपली के एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ टेकन। तो अब हम ये कह रहे हैं कि बॉर्नहैबर साइकिल जो है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, ये हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है। एक तरह से आप कह लें कि वी यूज बॉर्नहैबर साइकिल टू डिटर्मिन द लैटिस एंथैल्पीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वी यूज बॉर्नहैबर साइकिल, बॉर्नहैबर साइकिल टू डिटर्मिन द लैटिस एंथैल्पीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जब भी आपसे आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने को बोला जाए, ठीक है, थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली अगर हमें बॉर्नहैबर साइकिल, थ्योरेटिकली अगर हमें लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है किसी भी आयनिक कंपाउंड की, तो उसके लिए वी यूज हेसेस लॉ, एंड हेसेस लॉ में जो आप साइकिल ड्रॉ करेंगे तो उसको हमने फिर नाम दे दिया बॉर्नहैबर साइकिल। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं ऑब्वियसली, यानी कि लेट से मैं कह रहा हूँ कि जस्ट हम थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी आपके पास जो एक डायरेक्ट हमने कहा कि जी NaCl, NaCl Na प्लस, यानी लैटिस एंथैल्पी क्या आती है, सपोज हम सोडियम क्लोराइड के लिए लैटिस एंथैल्पी की इक्वेशन लिखते हैं Na प्लस प्लस Cl माइनस गैस, दिस फॉर्म्स NaCl। ठीक है, ये NaCl और इसको हमने नाम दे दिया दिस इज डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब द वे दीज आयंस कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है, दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होगा जिसमें आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो द वे दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, तो आप ये कह लें कि ये इतना, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी प्रोसेस की कि हम एनर्जी जो है यहाँ पे डायरेक्ट लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करना या फाइंड करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली वी टेक एन इनडायरेक्ट रूट। ठीक है, आप एक इनडायरेक्ट रूट लेंगे एंड दैट इनडायरेक्ट रूट इज नोन एज बॉर्नहैबर साइकिल। ठीक है, तो आप एक इनडायरेक्ट रूट के थ्रू जो है वो इसकी लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहे होंगे, या अगर आपको लैटिस एंथैल्पी गिवन है तो आप कोई दूसरी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सिंपल ये देखना है कि हाउ टू ड्रॉ अ बॉर्नहैबर साइकिल, किस तरीके से बॉर्नहैबर साइकिल, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आने हैं तो उसमें डायरेक्ट आपको साइकिल ड्रॉ करना है कहा जाएगा, या फिर आपसे साइकिल गिवन होगा, आपने जस्ट कोई एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो लेट्स जस्ट ड्रॉ बॉर्नहैबर साइकिल, किस तरीके से बॉर्नहैबर साइकिल जो है वो ड्रॉ की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें कि कौन कौन सी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, द एनर्जीज इन्वॉल्व इन बॉर्नहैबर साइकिल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं एनर्जीज इन्वॉल्व इन बॉर्नहैबर साइकिल।
ठीक है जी, तो कौन कौन सी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व होंगी? नंबर वन हम डायरेक्ट जो है वो एनर्जीज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको मालूम है इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन, डेल्टा एच एटमाइजेशन जी, एटमाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज एटमाइजेशन? हाँ जी, वन मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, तो आप किसी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड कंडीशन से उसको गैसियस कंडीशन में लेके जा रहे हैं तो दैट इज एटमाइजेशन, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसके अलावा डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज होंगी जो कि इन्वॉल्व होंगी बॉर्न-हैबर साइकिल में, वेन एवर वी ड्रॉ बॉर्न-हैबर साइकिल तो आपने ये एनर्जीज जो है वो यूज़ करनी, ठीक है, तो अब लेट्स से कि हम ड्रॉ करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल ड्रॉ करते हैं फॉर सोडियम क्लोराइड, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ बॉर्न-हैबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के लिए हमें बॉर्न-हैबर साइकिल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अब इसमें यूँ समझ लें, पहली चीज़ तो जो आपने ध्यान में रखनी है वो लेट्स से हम ये कह देते हैं कि जी सपोज ये हमारे पास एक एनर्जी एक्सिस है, ठीक है, लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी है, जैसे जैसे अगर हम एरो अपवर्ड ड्रॉ करेंगे तो दैट मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एरो डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे तो मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब डाउनवर्ड एरो एंड अपवर्ड एरो दिस वुड रिप्रेजेंट द के आइदर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और इट इज एंडोथर्मिक, ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे व्हेनेवर वी आर ड्रॉइंग बॉर्न-हैबर साइकिल, तो पहला जो स्टेप होगा आपका या आप कह लें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट वुड बी फॉर्मेशन, हमेशा फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से जो है वो हम ड्रॉ कर पाएंगे, तो लेट्स से हमने फॉर्मेशन से ड्रॉ करना शुरू किया, फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे, एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो हमने कहा जी सोडियम इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, सोडियम इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड फॉर्म प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस, ठीक है, और ये हमने ले लिया 1/2, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, अब हमने कहा जी जब ये कंबाइन होंगे तो दे वुड फॉर्म NaCl, ठीक है, व्हेन दीज टू एलिमेंट्स वुड कंबाइन विद ईच अदर दे वुड फॉर्म NaCl, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया फॉर्मेशन से, ठीक है, एंड नॉर्मली क्योंकि फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है तो वी वुड ड्रॉ एन एरो डाउनवर्ड, ठीक है, एज सच एरोज इतना मैटर नहीं करते बट ये है कि स्टार्ट में आप जो है वो इसको इस तरीके से जहन में रखेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है, तो हमने कह दिया कि जी ये डाउनवर्ड एरो होगा एंड दिस वुड फॉर्म NaCl सॉलिड, और इस एनर्जी चेंज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एनर्जी चेंज क्या है, दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl आ गया, अब एक तो ये है डायरेक्ट रूट कि आपने डायरेक्ट सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैस को कंबाइन किया NaCl बन गया, ये फॉर्मेशन है, अब हम जाते हैं इनडायरेक्ट रूट से कि बजाय इसको डायरेक्टली कंबाइन करने के अगर हम इसको इनडायरेक्ट वे में लेके चलें, ठीक है, इनडायरेक्ट वे क्या होगा कि लेट्स से हमने कहा कि जी फर्स्ट वी कन्वर्ट सोडियम इनटू, इसको पहले हम सोडियम को एटमाइज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वी एटमाइज सोडियम, सो लेट्स से जो पहला एनर्जी चेंज आएगा आपके पास दिस इज सोडियम गैस प्लस 1/2 Cl2 गैस, ठीक है जी, और ये एनर्जी चेंज क्या कहलाएगा, दिस इज डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, और ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एटमाइजेशन के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये एटमाइजेशन ऑफ सोडियम होगी, देन नेक्स्ट एनर्जी चेंज या तो आप इसको डायरेक्ट आयोनाइज कर दें या फिर क्लोरीन को भी एटमाइज करें, बट पहले हम सोडियम के सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा सोडियम पहले एटमाइज, फर्स्ट इट गेट एटमाइज देन इट वुड रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो हमने कहा जी फर्स्ट इट गेट एटमाइज एंड नाउ अब जो सेकंड एनर्जी चेंज होगा हमारे पास ये क्या होगा, दिस वुड बी Na प्लस, अब ये आयोनाइज हो गया, नाउ इट रिलीजेस इन इलेक्ट्रॉन प्लस E- प्लस हाफ Cl2 गैस, ठीक है जी, तो ये सोडियम को हमने आयोनाइज कर दिया और ये एनर्जी चेंज क्या है, दिस इज डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो
फर्स्ट आपने सोडियम का एटमाइज किया, देन उसको आयोनाइज किया, ठीक है। ये सोडियम का मतलब हम इसको गैशियस आयनिक स्टेट में लेकर आ गए। अब यही सेम प्रोसेस हमने क्लोरीन के साथ करना है, ठीक है। तो आपने क्लोरीन को भी जो है वो गैशियस आयनिक स्टेट में लेकर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एटमाइज क्लोरीन। क्लोरीन ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है, बट क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हम पहले इसको एटमाइज करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, Na प्लस गैशियस प्लस E माइनस प्लस हाफ Cl2 था, नाउ वी हैव Cl गैस, ठीक है। और ये एनर्जी चेंज क्या है, दिस इज डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन की एटमाइजेशन आ गई, ठीक है। अब क्लोरीन एटमाइज हो गया, नाउ इट वुड, अब आपको इसको इसे आयोनाइज करना है, ठीक है। एंड क्लोरीन वुड गेन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी तो दैट मीन्स एरो वुड गो डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब जो आप एरो ड्रॉ करेंगे, डाउनवर्ड एरो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्लोरीन इज नाउ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो इसको हमने स्टैंड किया एंड हमने कहा कि जी नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी चेंज क्या है, कि क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो एरो डाउनवर्ड आएगा और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि Na प्लस गैशियस प्लस Cl माइनस गैशियस, ठीक है। तो नाउ वी बोथ द एलिमेंट्स वी हैड, नाउ बोथ ऑफ देम आर इन गैशियस फेस, ठीक है, आयनिक गैशियस फेस। अब सोडियम आयन भी गैसिफाई हो चुका है, सोडियम भी गैशियस फॉर्म के अंदर मौजूद है, आयोनाइज हो चुका है, क्लोरीन भी गैशियस फॉर्म में है, आयोनाइज हो चुका है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आयनिक कंपाउंड में, और ये जो एनर्जी चेंज आएगा हमारे पास दैट वुड बी लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, हम कहते हैं कि जी नाउ दिस सोडियम आयन, गैशियस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये कंबाइन होंगे एंड दे वुड कन्वर्ट इनटू NaCl, ठीक है। और ये जो एनर्जी चेंज है, इस एनर्जी चेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ये क्या था, दिस वॉज डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और ये क्या है, दिस इज डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये आपके पास एक बॉर्न हैवर साइकिल जो है, दिस इज कॉल्ड बॉर्न हैवर साइकिल, ठीक है। इस तरह से आपने ये तमाम एनर्जी चेंजेस जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे जी, क्लियर है ये बात, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब ये है कि अभी हम कैलकुलेशन इसमें करेंगे, बट फिलहाल हम जस्ट एक दो साइकिल जो है वो और ड्रॉ करके देखेंगे, ताकि ये साइकिल ड्राइंग मतलब हाउ टू ड्रॉ बॉर्न हैवर साइकिल, ये आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमने NaCl के लिए ड्रॉ कर लिया। अब लेट से मैं कहता हूँ कि जी ड्रॉ दी बॉर्न हैवर साइकिल फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपने ड्रॉ करना है फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आप बॉर्न हैवर साइकिल ड्रॉ करें इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और देन फिर आपने उसकी पिक्चर लेके तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दें, ठीक है जी, हो जाएगा ड्रॉ। चलिए शाबाश,
फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आप चाहें तो दोनों के लिए अलग अलग एरो ड्रॉ कर लें या एक ही में ऐड करके लिख दें कि फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दो होंगी। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउनवर्ड एंड देन सेकंड अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है जी, सही है ये बिल्कुल ठीक। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ बॉर्न हैबर साइकिल्स। ठीक है, ये तो सिंपल हमने बॉर्न हैबर साइकिल देख लिया कि किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ से आपको डेटा देता हूँ। ठीक है, हमने ये सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ किया है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज डेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दी डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज -411 किलो जूल्स, 411 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, उसके बाद एटमाइजेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप ध्यान में रखें कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन है, अब लेट से कि अगर आपको NaCl फाइंड आउट करनी है, लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि जी आपको लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो अब कौन सी चीज़ें गिवन होंगी और कौन सी एनर्जीज डेटा बुकलेट से आप देखेंगे। ठीक है, कि फॉर्मेशन जो है ये आपको दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये गिवन होगी, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम ये भी गिवन होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम ये आप डेटा बुकलेट से देखेंगे। ठीक है, ये डेटा बुकलेट में मेंशन होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम ये डेटा बुकलेट से आएगी। देन एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन जो है, अब क्लोरीन क्या है, ये भी मतलब क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है Cl2। ठीक है, तो क्लोरीन की आपको एटमाइजेशन गिवन नहीं होगी। ठीक है, ये आप डेटा बुकलेट से देखेंगे। अब एक मैं जरा यहाँ पर डेटा बुकलेट ओपन कर लूँ।
ये हमारे पास डेटा बुकलेट है, ठीक है। इसमें आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हमने देख लिया कि जी सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 494। अच्छा, अब जो बॉन्ड एनर्जी, सॉरी एटमाइजेशन है, किसकी एटमाइजेशन, क्लोरीन की एटमाइजेशन। सोडियम की एटमाइजेशन गिवन होगी, क्लोरीन की एटमाइजेशन आपने डेटा बुकलेट से देखनी है, कहाँ से, बॉन्ड एनर्जी से, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी से। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कितनी मेंशन है, 242 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्लोरीन को हम एटमाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन को ब्रेक, अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, तो आप यूँ सिंपल सोचें कि अगर मैं Cl2 को ब्रेक करता हूँ इनटू 2Cl, तो ये जो एनर्जी होगी, दिस वुड बी डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर आपको, यानी यहाँ पे जब आप बॉन्ड एनर्जी की बात करें, तो वी आर गेटिंग टू क्लोरीन एटम्स, टू मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, ठीक है। बट अगर हम इसको हाफ कर दें, लेट से अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, 1/2 Cl2, तो दिस बिकम Cl एंड दिस इज एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, दिस इज डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एंड वी कैन से एटमाइजेशन इज हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रही है बेटा बात आपको, ठीक है ना। तो एटमाइजेशन जो है ये आप कहां से लेंगे, बॉन्ड एनर्जी से। इट मींस के व्हाट एवर इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, एटमाइजेशन वुड बी हाफ ऑफ इट, एटमाइजेशन जो है वो उसका हाफ हो जाएगी। तो आपने सिंपल देख लिया कि व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, या कोई भी, जैसे अभी आप ऑक्सीजन का कर रहे थे, तो ऑक्सीजन के लिए भी आप इसी तरह से देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड द हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज एटमाइजेशन, ठीक है। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। तो अब लेट सपोज कि हमारे पास फॉर्मेशन आ गई NaCl की, -411 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरीके से आपको एटमाइजेशन गिवन है, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, दैट इज +107 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। एंड द एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन, डेल्टा एच एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन, दैट वुड बी हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 242, तो 242 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। ये आपको कहा था कि इसकी बॉन्ड एनर्जी 121, एंड देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, एक इसको यहां से रिमूव कर दूंगा, तो डेल्टा एच फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, दैट इज, ये हमने डेटा बुकलेट से देख ली कितनी है सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, 494, ठीक है। दिस इज 494 प्लस 494 किलो जूल्स पर मोल, एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये डेटा बुकलेट से आपको नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, दैट इज -349 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारा डेटा आ गया, एंड दे आर आस्किंग फॉर डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। चलें कोशिश करें इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये डेटा यहां से नोट कर ले, एंड देन कैलकुलेट द डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चलो मैं इसको एक दफा यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल ये कह दिया कि जी डेल्टा, क्योंकि हमने ये फॉर्मेशन डायरेक्ट वे था और ये इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। यानी आपके पास एक तो ये, हम कह रहे हैं कि अगर हम हेसेस साइकिल के हिसाब से सोचें, तो हम ये कह रहे हैं कि या तो डायरेक्टली आप एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दें NaCl में, या फिर आप पहले एलिमेंट्स को एटमाइज करें, फिर आयोनाइज करें, या फिर उसकी लैटिस एनर्जी। तो एक डायरेक्ट रूट ये है हमारे पास, और इनडायरेक्ट रूट ये है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जो है वो इक्वेट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दैट वुड बी इक्वल टू, अब सबसे पहला एनर्जी चेंज क्या है हमारे पास, डेल्टा एच
एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन विच इज हाफ ऑफ इट्स बॉन्ड एनर्जी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस फाइनली क्या आ जाएगा डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl. ठीक है, तो ये आपने सारी एनर्जीज, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मेशन ऑफ NaCl. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl कितनी है, -411 इज इक्वल्स टू एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस 107 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ये कितनी है 494 प्लस एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन हाफ ऑफ इट्स बॉन्ड एनर्जी दैट इज 121 किलो जूल्स पर मोल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज -349 प्लस ये हमें फाइंड आउट करनी है एक्स. तो क्या आंसर आ रहा है, -784 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया. क्लियर है बात, समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, चले ये तो एक हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. अब जरा एक दो क्वेश्चन इसके पास पेपर्स में से देखते हैं. ठीक है, अब लेट से ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, राइट एन इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. जी बताएं क्या होगी इक्वेशन. Ca2+ इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स गैशियस आइंस गैशियस फेज में, लैटिस एंथैल्पी है ना बेटा. Ca2+ क्लोराइड आइन Cl- हो जाएगा. ठीक है, 2Cl- गैशियस मेक्स CaCl2 सॉलिड. ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी के लिए ध्यान में रखें कि हमेशा आइंस आपके गैशियस फेज में होंगे एंड वन मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वुड बी फॉर्मिंग. तो वन मोल के लिए क्लोराइड आइंस कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 moles रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, तो ये तो आपने इक्वेशन लिख ली. क्लियर है बात. अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं कंप्लीट अ फुली लेबल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल दैट कुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी डेल्टा एच लैटिस एनर्जी फॉर कैल्शियम क्लोराइड. अब साइकिल इन्होंने स्टार्ट कर दिया, फॉर्मेशन शो की है, बाकी की आपने इसको कंप्लीट करना है. चले इसको कंप्लीट कर लें.
Cl2 है तो मतलब एटमाइजेशन भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पे साथ साथ साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिर आप चेक कर लीजिएगा अपनी, ठीक है, आप अपनी ड्रॉ करती रहें साइकिल। जी बेटा यही साइकिल ड्रॉ की है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम आ गया, पहले एटमाइज किया कैल्शियम को, देन फिर आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 मैंने एक साथ शो कर दी, आप चाहें तो अलग अलग शो करें, बट जब अलग अलग शो करेंगी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देन फिर उसके बाद एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो दैट मीन्स इस दफा जो भी बॉन्ड एनर्जी है वही एटमाइजेशन होगी, ठीक है। तो आपने एटमाइजेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, क्योंकि 2 क्लोराइड आइंस हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 2 और फाइनली लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यूज योर आंसर टू 2 एंड द फॉलोइंग डेटा, मीन्स आपने जो साइकिल ड्रॉ किया था और इस डेटा को आपने यूज करना है, फॉलोइंग डेटा टुगेदर विद रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट, ठीक है। डेटा बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, है डेटा बुकलेट, अभी डाउनलोड कर लें फॉर्म, ठीक है ना। तो जो आपके पास, यानी ये देख लें, सिलेबस डाउनलोड कर लें डायरेक्ट, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी जो रीसेंट सिलेबस है 2020-21, ठीक है। ये चले, ये मैंने स्क्रीन ओपन कर दिया, आप यहां से वैल्यूज भी देख सकती हैं। अच्छा पहली बात तो हम ये देख लेते हैं, टुगेदर विद रेलेवेंट डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लैटिस, लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है फॉर कैल्शियम क्लोराइड। अब गिवन क्या है, फॉर्मेशन दे दी है, जैसे मैंने आपसे कहा था फॉर्मेशन गिवन होगी, एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम दे दी है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है बुकलेट में से, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन, ये दो वैल्यूज आपको डेटा बुकलेट से देखनी है। तो बॉन्ड एनर्जी तो हमें मालूम है, एटमाइजेशन हम यहां से देख लेते हैं कैल्शियम की, जी कैल्शियम की फर्स्ट एटम, सॉरी आयनाइजेशन, कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन कितनी है 590 और सेकंड है 1150, ठीक है, ये आपने दोनों नोट कर ली, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 590 एंड 1150। चलें अब ये फाइंड आउट करें, जरा जल्दी से आंसर बता दें इसको,
जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2258 किलो जूल्स पर मोल। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने सिंपल क्या किया कि फॉर्मेशन को आपने बराबर रख लिया बाकी सारे एनर्जी चेंजेस के। ठीक है, फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कैल्शियम प्लस एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी जो कि फाइंड आउट करनी थी। सारी वैल्यूज पुट करी और देन फिर उसके बाद आपके पास आंसर यहाँ पे आ गया -2258 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग टेक्स्ट टू इंडिकेट वेदर द साइन ऑफ ईच टाइप ऑफ एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव और कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव और आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन एटमाइजेशन के लिए हमेशा एनर्जी देनी होगी पॉजिटिव। ठीक है, जब भी आपने किसी एलिमेंट को एटमाइज करना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव। ठीक है जी। सर द बॉर्नहैबर साइकिल फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज शोन। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉर्नहैबर साइकिल है। ठीक है, ये फॉर्मेशन है। चले अभी हम एनर्जीज की बात नहीं करते। ठीक है, ये जस्ट इन्होंने 1, 2, 3 का नाम दिया हुआ है इनको। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई डेल्टा एच 4 इज ग्रेटर देन डेल्टा एच 3। जी वाई डेल्टा एच 4 इज ग्रेटर देन डेल्टा एच 3। जी बेटा, अच्छा पहली बात तो डेल्टा एच 3 क्या है, आप डेल्टा एच 3 देखें, व्हाट इज डेल्टा एच 3, क्या हो रहा है इसमें, आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कौन सी आयनाइजेशन है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन। ठीक है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। और डेल्टा एच 4 क्या है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है या फर्स्ट, सेकंड ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी, थर्ड सेकंड से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यानी लेट्स से कि Mg था, Mg में कितने प्रोटॉन्स थे, 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बच गया, Mg प्लस, मींस नाउ इट हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, नाउ वी हैव मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगी, तो अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो अब अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं Mg2+, ठीक है, तो अब 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ दिस इज डेल्टा एच 3 एंड दिस इज डेल्टा एच 4, तो डेल्टा एच 4 वुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच 3 बिकॉज वी आर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। आप एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। समझ आ रही है बेटा जी? ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि जी वाई डेल्टा एच 4 इज ग्रेटर देन डेल्टा एच 3 बिकॉज डेल्टा एच 4 इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड डेल्टा एच 3 इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो Mg प्लस का न्यूक्लियर चार्ज Mg से ज्यादा होगा, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मुश्किल होगा. ठीक है, एंड देयर वुड बी स्लाइटली डिक्रीज इन द रेडियस एज वेल. Mg प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन शेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कैटायनिक रेडियाए वुड बी स्मॉलर, यानी हम ये कह सकते हैं कि Mg प्लस का जो रेडियस होगा, द रेडियाए ऑफ Mg प्लस वुड बी स्लाइटली लेस देन द रेडियस ऑफ Mg. Obviously they both have two, three shells. इसके पास भी तीन shell हैं, इसके पास भी तीन shell हैं, but क्योंकि इसकी grip ज़्यादा है, यहाँ पे nucleus की grip ज़्यादा है electrons पे, तो shells जो हैं वो slightly shrink कर जाएंगे. तो radius slightly, cationic radius would be slightly less than the atomic radii. हाँ जी, ये बात clear हो गई why delta H4 is greater than delta H3. ठीक है, अब next है what names are given to the enthalpy changes delta H6 and delta H7. जी, delta H7 क्या है? फॉर्मेशन, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंड डेल्टा एच सिक्स क्या है? लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन है, चले ये जरा खुद से पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. द इक्वेशन, चले मैं इसको साथ साथ सॉल्व करता हूँ जरा. द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ये. द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैशियस हाइड्रोक्साइड आयन इज शोन. अब देखें ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रही है हमें? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये कैसे बन रहा है. हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन. यूज डेटा इन द टेबल एंड फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. यू माइट फाइंड इट यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट अ बॉर्न-हैबर साइकिल. मतलब लाजमी नहीं है कि आप बनाएं, बट बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा. अब देखें ये जो एक अब तक हम जो एक बॉर्न-हैबर साइकिल्स ड्रॉ कर रहे थे कन्वेंशनल, उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट ये नहीं बोला गया कि जी ये आयनिक कंपाउंड है, मतलब आपको कि जी ये इसकी फॉर्मेशन है, ये एंथैल्पीज हैं और आप लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करना. ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन की फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. ये आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कर लेंगे इसको सॉल्व या मैं करूं? अच्छा चल, अब इसमें देखें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एनर्जीज कौन कौन सी गिवन है. एक मिनट, अच्छा तो इसमें एनर्जीज जो हमारे पास गिवन है, एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की एटमाइजेशन गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है. ठीक है, एंड लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है. तो ये तीन एनर्जीज हमारे पास गिवन है, मैग्नीशियम की एटमाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ MgOH2 एंड लैटिस एनर्जी ऑफ MgOH2. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट वहीं से करते हैं. कहाँ से? फॉर्मेशन से, जो कि हमें आता है, जो कि अब तक हमने पढ़ा है. तो हम फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अपनी जो कहने के साइकिल है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने इसको स्टार्ट किया, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgOH2. तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? Mg
इन सॉलिड फॉर्म एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट प्लस, जी बताएं, OH नहीं, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, O2 गैशियस फॉर्म में एंड हाइड्रोजन इन इट्स गैशियस फॉर्म, ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए। अब हम कहते हैं कि जी ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो MgOH2 बनेगा, ठीक है, तो ये हमने एनर्जी चेंज शो कर दिया कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें, MgOH2 के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मेशन आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हम मैग्नीशियम को एटमाइज करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वही जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम को एटमाइज किया, ये हो जाएगा Mg गैस प्लस O2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट एनर्जी चेंज क्या होगा, जी बताएं, आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो ये इसमें दो आयनाइजेशन इन्वॉल्व होंगी, Mg 2 प्लस प्लस O2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपके पास आयनाइजेशन आ गई। अच्छा अब देखें, यहां से अब आपको असल चीज ध्यान में रखनी है, ये तो हमने अब तक जो कन्वेंशनल करते आ रहे थे वो हमने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, मतलब अब नेक्स्ट एनर्जी चेंज क्या होगा, वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं कि नॉन मेटल को भी गैसिफाई किया फिर उसको इलेक्ट्रॉन गेन कराया। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन क्या है, हाफ एच टू हाफ ओ टू प्लस इलेक्ट्रॉन मेक्स ओ एच आइन, ठीक है, एक ओ एच आइन अगर बनाना है तो हमें हाफ एच टू चाहिए, हाफ ओ टू और एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, O2 प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वही चीज बन जाएगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने मिलेंगे हमें हाइड्रोक्साइड आयन, 2 OH माइनस, ठीक है ना, तो मतलब यहां से हमें डायरेक्ट जो है वो 2 OH आयंस मिल रहे हैं, 2 OH आयंस। मैं ये कह सकता हूं कि नेक्स्ट एनर्जी चेंज क्या है, नेक्स्ट एनर्जी चेंज, अब मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मैं अपने हिसाब से एरो को किसी भी हिसाब से आप लेके चल सकते हैं, तो लेट से मैंने इसको अपवर्ड एरो, आप डाउनवर्ड बनाते हैं अपवर्ड बनाते हैं उससे कोई फर्क, क्योंकि हमने तो ऐड ही करना है ना सबको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आखिर में प्लस या माइनस जो भी होगा वो खुद ही आंसर आ जाएगा। तो अब हम कह देते हैं कि ये नेक्स्ट एनर्जी चेंज क्या हुआ, हमने कहा जी दिस बिकम्स Mg2 प्लस प्लस कितने OH आयन मिलेंगे, 2 OH माइनस, ठीक है, ये आपके पास ये भी गैशियस फॉर्म में और ये भी गैस, अब दोनों आइंस आ गए। और लास्ट एनर्जी चेंज क्या होगा यहाँ पे, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, तो आपने कहा कि ये ठीक है, ये हमने शो कर दिया कि नाउ दिस इज डेल्टा एच लैटिस, अब इनको सबको नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला एनर्जी चेंज क्या है, ये फॉर्मेशन थी, दिस वाज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Mg OH2, ये क्या है, दिस इज डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की एटमाइजेशन, देन फिर उसके बाद डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी 1 and 2 ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट डेल्टा एच, आप देखिए ये हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम क्या नाम है इस एनर्जी चेंज का, नाम क्या होगा, जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, सही है, नहीं इस मल्टीप्लाई बाय 2, दो मिल रहे ना, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और लास्ट ये एनर्जी चेंज, दिस इज डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आपके पास पूरा एक कंप्लीट साइकिल बन गया, अब मेरे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है, आयनाइजेशन भी है, ये फाइंड आउट करनी है, ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो हम पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच, यहां बना लेते हैं इक्वेशन, दिस वुड बी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
किसके बराबर होगी? पहला एनर्जी चेंज क्या था? डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जीज 1 and 2 ऑफ मैग्नीशियम प्लस, ये दो एनर्जी चेंजेस हो गए। उसके बाद तीसरा एनर्जी चेंज क्या है हमारे पास? ये एटमाइजेशन आयनाइजेशन देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि फाइंड आउट करनी है। दिस इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस डेल्टा एच लैटिस इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्स। तो फॉर्मेशन कितनी है? -925 इज इक्वल्स टू एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम कितनी है? +148 प्लस आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम, ये हमें डेटा बुकलेट से देखनी पड़ेंगी। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है 736, सेकंड है 1450। 736 प्लस 1450 प्लस 2x, ये फाइंड आउट करनी है। इसको 2x कर दिया। लैटिस एंथैल्पी कितनी है? -2993। चलें इसको सॉल्व कर लें, x की वैल्यू बताएं क्या आती है। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? -133। जी ठीक है, -133। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात? क्लियर है। तो ये इस किस्म के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें मतलब इसमें क्या था कि हमें डायरेक्ट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, एटमाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। डायरेक्ट हमारे पास गैशियस एटम्स थे जिसको हमने आयोनाइज, यानी जब भी पॉलीएटॉमिक आयन बन रहा होगा तो ज्यादातर इस किस्म के आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि आपको लेट से एक इक्वेशन दे दी और आपने डायरेक्ट वो इक्वेशन यूज करनी होगी अपनी साइकिल के अंदर, ठीक है ना। तो अब इसमें एक एनर्जी चेंज के अंदर हो सकता है कि एक से ज्यादा एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होंगे, और बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे, बट हम वो सारे स्किप करके डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि ये कुछ और क्वेश्चन हैं, अब ये आपने जरा खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो या तो आप एक मिनट, मेरे पास इसका ईयर होगा नीचे, ये ईयर नोट कर लें, ये आपने खुद से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसका फिर मुझे आंसर February 2020 paper 42, ठीक है। या इसकी पिक्चर ले लें क्वेश्चन की। ठीक है, सही है, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और फिर आप मुझे इसका आंसर जो है वो बता दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है बॉर्न हैम्बर साइकिल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन? जी बेटा ठीक है, चले। तो ये तो देखें, अब हमने इसका एक पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने लैटिस एंथैल्पी देख ली क्या होती है, इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, डिफरेंट जो एनर्जी चेंजेस थे, और ये बॉर्न हैम्बर साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और एनर्जी चेंजेस हैं, ठीक है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज, और फिर नेक्स्ट टाइम इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो एनर्जी चेंज हमने पढ़ना है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एस ओ एल स्टैंडर्ड, ठीक है। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज द एनर्जी चेंज, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एन आयनिक substance dissolves in water
to give an infinitely dilute solution. ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन होगी. इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर. ठीक है, आपने एक मोल आयनिक सब्सटेंस, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल, पहली चीज तो ये होगी, वन मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन. ठीक है, आप कोई भी किसी भी आयनिक सब्सटेंस को जब पानी में डिजोल्व करते हैं, कितना आयनिक सब्सटेंस होना चाहिए, वन मोल. लेट्स से हम कह रहे हैं जी NaCl सॉलिड, वन मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन. जब ये पानी में जाएगा तो क्या बन गया, डेल्टा एच, सॉरी NaCl एक्वस. तो वन मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, तो ये जो एनर्जी चेंज होगा इसको हम नाम देंगे. अच्छा, इसमें एक और चीज हमने जो ऐड नहीं की, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है जी, मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. तो दिस इज डेल्टा एच सोल्यूशन व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन इनफिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन. तो किसी भी आयनिक सब्सटेंस को जब आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी चेंज आएगा, ऑब्वियसली जब आप किसी भी आयनिक सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी या एब्सॉर्ब, मतलब डेल्टा एच सोल्यूशन इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, तो जब आप डिसॉल्व करेंगे NaCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है, तो इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, बट जो भी एनर्जी चेंज आ रहा है दैट इज डेल्टा एच सोल्यूशन. ये डेल्टा एच सोल्यूशन कहलाएगा व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस. तो सपोज हमने कहा कि जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव NH4NO3 एक्वस. तो ये जो एनर्जी चेंज आएगा दिस इज डेल्टा एच सोल्यूशन. ठीक है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन. अब इसमें ये जो एक टर्म है इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब आप किसी भी आयनिक सब्सटेंस को जब पानी में डिसॉल्व करें तो जो आपका सोल्यूशन है इसकी डाइल्यूशन जो है वो इन्फिनिटली बढ़, यानी आप कहें कि आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो. सिंपल सी बात यह है. यानी सपोज अगर मैं कहता हूँ, इसको यूँ समझे, जस्ट एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं. लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी NaCl को जब हमने पानी में डिजोल्व किया द कंसनट्रेशन इज वन मोल पर DM³, यानी कि एक मोल NaCl डिजोल्व इन वन DM³ ऑफ वाटर. सिंपल हम क्या करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि जी NaCl की कंसनट्रेशन क्या है, वन मोल पर DM³ मीन्स वन मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन वन DM³ ऑफ वाटर. अब वन DM³ ऑफ वाटर मीन्स वन DM³ ऑफ वाटर मीन्स 1000 cm³. ठीक है, यानी आपने 1000 cm³ में डिजोल्व किया 1000 cm³ ऑफ वाटर एंड 1000 cm³ फॉर वाटर 1 gram इज इक्वल्स टू 1 cm³. ठीक है, पानी की डेंसिटी क्या है 1 gram/cm³. तो पानी के लिए हम कह सकते हैं कि 1 gram बराबर है 1 cm³ के. तो दैट मीन्स वी हैव 1000 grams ऑफ वाटर, 1000 grams ऑफ वाटर एंड 1000 grams को अगर हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज 18 divided by 18, तो दिस वुड बी समवेयर अराउंड 55 point something, लेट्स से 55.5 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो वन मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 55 और 56 मोल्स ऑफ वाटर. तो वन मोल ऑफ NaCl मींस कि आपके पास कितने पार्टिकल्स होंगे NaCl के 6.02 × 10^23 और 55.5 मोल्स ऑफ वाटर मींस 55.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10^23. तो अगर आप कंपेयर करें वाटर के पार्टिकल्स को विद NaCl पार्टिकल्स तो दे आर इन लार्ज नंबर्स. वाटर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन लार्ज नंबर्स. तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक मोल NaCl पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो द डाइल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज वेरी लार्ज. ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो हाईली डाइल्यूटेड है. मतलब सिंपल बात यह कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करें तो इतने ज़्यादा पानी में डिसॉल्व किया जा रहा हो कि सॉल्यूशन की डाइल्यूशन, यानी हम उसको ये कह सकें कि स्टिल इट इज़ वाटर, मतलब डिसॉल्व होने के बाद भी पानी की करेक्टरिस्टिक में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंज ना आए.
बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो बस जस्ट सिंपल ये इस बात का मकसद है, इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये जस्ट हमने इसको डिफाइन कर लिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, यानी आपने एक मोल आयनिक सब्सटेंस पानी में डिजोल्व किया एंड डिजोल्व होने के बाद वी गेट एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन आ गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की। नाउ इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। जी बेटा यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन? चले तो आज हम इसको यहां तक रखेंगे। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला वीक में किसी भी दिन में आपके साथ एक लेक्चर जो है वो शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, इससे आगे नेक्स्ट जो है वो इसमें हमने पढ़ना है, यानी ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली, देन हाइड्रेशन है, देन फिर उसके बाद ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेनेशन है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे रिकॉर्डेड लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है जी, चल अल्लाह हाफिज़।